बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे चुनावी सीजन में आरक्षण पर रण और जाति बनाम धर्म की सियासत से। पिछले दो दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में मुस्लिम धर्म को ओबीसी में शामिल करके पिछड़ों के अधिकारों की लूट की है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा इसीलिए दे रही है क्योंकि ये संविधान बदलकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तो एक तरफ राहुल गांधी देश में जाति गिनकर न्याय की बात करते हैं। जाति धर्म की चुनावी राजनीति में एक सिक्के के दो पहलुओं में एक तरफ कांग्रेस है जिसमें राहुल गांधी देश भर में जाति गिनाकर ओबीसी को न्याय दिलाने का दम भरते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पीएम मोदी हैं जो ओबीसी के अंदर मुस्लिम धर्म को शामिल किए जाने पर ओबीसी के हक को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा यह है कि कांग्रेस को मुस्लिम परस्त और तुष्टिकरण वाली पार्टी साबित करने के लिए पीएम मोदी दो बड़े हमले कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से पीएम एक तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी, और इसी आशंका की पुष्टि करने के लिए एक मिसाल भी गिना रहे हैं कि कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण में मुसलमान धर्म के सभी लोगों को शामिल कर लिया गया है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और इसलिए कांग्रेस ने धोखेबाजी की, खुद बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा बोंक दिया। ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ 4% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿತು। ಯೂ ತೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಅಭಿ ಕುಚ್ ನಯಾ ನಹಿ ಹುವಾ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಚುನಾವಿ ಸೀಸನ್ ಮೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಛಡಾ ಆಯೋಗ ಕೆ ಏಕ್ ಬಯಾನ್ ಪರ್ ಘಮಾಸಾನ್ ಮಚಾ ಹೈ। ದರಸಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜೋ ಮೇ ಪಿಜಿ ಕಿ ಕುಲ್ 930 ಸೀಟೋ ಮೇ ಓಬಿಸಿ ಕೋಟೆ ಕಿ 150 ಸೀಟೇ ಮುಸ್ಲಿಮೋ ಕೋ ದೇ ದಿ ಗಯಿ। कहा गया कि मुस्लिमों को 4% आरक्षण है, लेकिन 150 सीटें 16% से ज्यादा थी। इसी का विन्यास शुरू हुआ तो पता चला कि कर्नाटक में मुस्लिम धर्म को ही ओबीसी कोटे में शामिल किया जा चुका है। बताइए कि कैटेगरी 2B में टोटल मुस्लिमों को ओबीसी में माना ले लिया गया है, वो भी 2002 में लिया है। Why did they wake up after 30 years? 30 years long. That means and that too during the peak of the election. आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं, हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है। पीएम मोदी बार बार कांग्रेस के न्याय पत्र में लिखी गई बातों का ही हवाला देकर कांग्रेस के ऊपर धर्म के नाम पर आरक्षण देने और तुष्टिकरण के आरोप लगा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि कर्नाटक केरल आंध्र की तरह कांग्रेस पूरे देश में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देगी। कर्नाटक में 30 साल पहले ही जस्टिस चिनप्पा रेड्डी आयोग के मुताबिक मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ था, और अब उसका हिसाब यह है कि कर्नाटक में ओबीसी कुल 5 कैटेगरी 1, 2A, 2B, 3A और 3B में 32% आरक्षण है। इस कैटेगरी में 1 में 391 जातियां और उपजातियां हैं जिनमें मुसलमानों की भी 17 जातियां हैं। इस कैटेगरी में 4% आरक्षण मिलता है। कैटेगरी 2A में 393 जातियां और उपजातियां हैं और इनमें मुसलमानों की 19 जातियां हैं। इस कैटेगरी में शामिल जातियों को 15% आरक्षण दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 2B बनाई गई है और इसमें मुस्लिम धर्म को ही शामिल कर दिया गया है, इसमें 4% आरक्षण मिलता है। बाकी बची 3A कैटेगरी में 4% और 3B में 5% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से कर्नाटक में कुल 883 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में 32% आरक्षण मिलता है। सवाल 2B श्रेणी वाले इसी हिस्से को लेकर उठ रहा है कि जब कैटेगरी 1 में 17 और 2A में 19 कुल 36 मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को 19% आरक्षण मिल रहा है, तो कैटेगरी 2B में मुस्लिम धर्म को 4% ओबीसी कोटा क्यों दिया जा रहा है। दरअसल ये वही 4% कोटा है जिसे बोम्मई सरकार ने खत्म करके लिंगायतों और वोक्का लिगा में बांट दिया था, उसे फिर कांग्रेस सरकार ने खत्म करके मुस्लिमों को दे दिया है। स्थिति यह है कि राज्य की 12.92% आबादी वाले मुसलमानों को ओबीसी के 32% में से कैटेगरी 1 में 4%, कैटेगरी 2A में 15% और कैटेगरी 2B में 4% मिलाकर कुल 23% का आरक्षण मिल रहा है। बीजेपी इसे ही धर्म के आधार पर तुष्टिकरण के लिए आरक्षण बताकर चुनावी हमले कर रही है,
और ओबीसी दलित वर्ग का भी सवाल उठ रहा है कि उनके कोटे में उच्च जाति के मुसलमानों को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। चुनावी रण में जुबानी जंग गुजरात में भी जोरदार चल रही है। नेताओं की जुबान बेलगाम होती जा रही है और जनता को मुद्दों से हटकर नेता एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सूरत में बीजेपी नेता भूपत भयाणी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता कल्पेश बरोट ने सूरत चुनाव अधिकारी को लिखित रूप से शिकायत दर्ज करवाई है और भूपत भयाणी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। और जो सूरत से शुरुआत हुई है वो इस बात का संकेत है कि 10 साल में ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी ने अलग अलग राज्य सरकारों को तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, सरकारों को गिराया, लेकिन 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा, सूरत इसकी शुरुआत है। मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये आपका अंतिम चुनाव है, इसके बाद आपको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। और आपने देखा, कभी आपने नहीं सुना होगा, लोकसभा का चुनाव देश की सत्ताधारी पार्टी बगैर मतदान के जीत जाती है। इसी बीच सूरत में बीजेपी उम्मीदवार के निर्विरोध जीतने का मुद्दा भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता नीलेश कुम्हाड़ी ने विरोध में पोस्टर लगा रहे हैं और इसी बीच आज तक ने सूरत के कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी की पत्नी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनसे ये पूछा गया कि नीलेश कुम्हाड़ी कहाँ हैं और कैसे उनके सारे प्रस्तावक पलट गए, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। और आज तक की टीम पहुंची है नीलेश कुमानी के घर पर जहां उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये नीता बहन ने बताई कि नीलेश कुमानी कहां है और वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो बीजेपी से मिल चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आपका क्या जवाब? नहीं, ये बात मीडिया की फैलाई हुई है और जो कांग्रेस पक्ष में जो पक्ष है उनको जो रोष होता है वो बताने के लिए जताने का एक तरीका है। नीलेश कुम्हाड़ी कल भी कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस में और रहेंगे भी कांग्रेस में। वो बीजेपी के कार्यकर है कोई, उनका भी वाटाघाट हो सकता है कि नीलेश कुम्हाड़ी के पर ऐसा आरोप लगा दो तो कांग्रेस ऐसे ही पक्ष में सब दावाडोल होगी और कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो क्या नीलेश कुम्हाड़ी ने पैसे लिए हैं? 5 करोड़ की बात चल रही है, 10 करोड़ की बात चल रही है कि वो पैसे लेकर सूरत छोड़ चुके हैं, क्या सच्चाई है? अभी मैं आपके सामने वही बता रहे हैं, वो परिवार छोड़ के तो चले तो नहीं जाएंगे। वो जाहिर है कि उनके उम्मीदवारी पत्र जो रद्द हुआ है तो वो उनकी इंक्वायरी के लिए अहमदाबाद गए हुए और पीछे से वो जो कार्यकर्ता है वो सब आके यहाँ पे घर बंद है। मैं भी बाहर गई थी उस वक्त, बच्चों के लिए कोई सामान लाना था तो गई थी, उनके बीच आकर यहाँ पर आकर लगा जाते हैं, बता जाता है सबको कि नहीं है ये लोग घर पर नहीं है। अफवाह तो ये भी है ना कि वो लोग घर छोड़ के चले गए हैं, उनके घर पर ताला लगा हुआ है, बट ऐसा है नहीं, हम सब घर पर ही है और नीलेश कुम्हाड़ी पर यही है, वो इंक्वायरी के काम में बिजी है। कह रहे हैं लोग नीलेश कुम्हाड़ी लोकतंत्र के हत्यारे हैं, गद्दार हैं, वो सब पक्ष के लोग ही आपस में डावाडोल कर रहे हैं या फिर बीजेपी उनको पैसा खिलवा के करवा रही हो, ऐसा भी हो सकता है ना। इसीलिए तो वो जब घर पर नहीं थे, हम लोग उनका परिवार तो यहाँ घर पर ही है, आप देख रहे हैं ना, तो उनके पीछे से आकर यहाँ पर लगा जाते हैं कि वो जाहिर है कि हाईलाइट में आना चाहते होंगे। खुद तो ऐसे लोगों पर ही कुछ कार्यवाही करनी चाहिए पक्ष को, तभी यह कांग्रेस बसेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये भी लोग कह रहे हैं कि नीलेश कुम्हाड़ी पहले से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और इसीलिए उन्होंने जो ठेकेदार थे उनके नाम भी अपने रिश्तेदारों के रखे और पूरी स्क्रिप्ट नीलेश भाई ने पहले लिख ली थी कि किस तरह से बीजेपी को सूरत में जिताना है। तो आप क्या मानते हैं, क्या सच्चाई है? ऐसा कभी उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। नीलेश कुम्हाड़ी कभी बीजेपी में साथ हो ही नहीं सकते, वो खुद आ रहे थे, इतनी बार आ रहे हैं फिर भी कभी जनता के बीच से निकले ही नहीं। देश में लोकसभा चुनावों का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सियासी दुनिया में देश के प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी वर्कर्स तक हर कोई आजकल प्रचार में बिजी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि तमाम चुनावी सरगर्मी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात के आणंद में गोलगप्पे बेचते हुए देखा गया है तो आप यकीन कर पाएंगे? ये पूरा का पूरा मामला क्या है जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए।
आपने पीएम मोदी को गोलगप्पे खाते हुए तो देखा है, लेकिन अब जरा यहाँ देखिए। ये तस्वीर गुजरात के आनंद की है, लेकिन आप सोचेंगे कि चुनाव प्रचार के शेड्यूल के हिसाब से तो मोदी जी को आज एमपी में होना चाहिए था। आप ठीक सोच रहे हैं, पीएम मोदी एमपी में ही हैं। ये दोनों आज की ही तस्वीरें हैं। पीएम मोदी जहां लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, तो वहीं उनके गृह राज्य गुजरात में उनके हमशक्ल अनिल भाई ठक्कर गोल गप्पे के व्यापार में मगन हैं। पीएम मोदी की तरह दिखने वाले अनिल भाई ठक्कर आनंद के मोटा भाई बाजार इलाके में बरसों से गोल गप्पों और चाट की दुकान चलाते हैं। इलाके के लोग प्यार से उन्हें बड़ा प्रधान बुलाते हैं। अनिल ठक्कर की शक्ल तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलती है ही, लेकिन पीएम जैसे लिबास और अंदाज का राज आप उन्हीं से जान लीजिए। ज्यादातर कस्टमर आते थे, मुझे ऐसा बोलते थे कि आप अनिल भाई साइड फेस से मोदी साहब जैसे लग रहे हो, थोड़ा सा गेटअप चेंज करो, धंधे में भी मजा आएगा और पब्लिक को भी आपके साथ मजा आएगा। तो मुझे ये बात जची, तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को मोदी साहब के तौर पे ढालना चालू किया। शकल में तो मुझे कोई जरूरत थी नहीं, ऊपर वाले की मेहरबानी से शकल तो काफी हद तक मिलती थी। थोड़ा आवाज में, थोड़ी स्टाइल में वो साहब को देख देख के मैं अपने आप को फॉलो करता गया और कपड़े जस्ट गए मुझे, ये अभी वही कपड़े पहनता हूँ मैं। पिछले 2 साल से तो लगातार मैं कोटी गर्मी होती तो भी पहनना पड़ता है। फिर क्या था, लोगों की बात मानकर अनिल भाई पूरी तरह पीएम मोदी के रंग में नजर आने लगे। सिर्फ लिबास और अंदाज ही नहीं, इसके साथ ही उनकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई। अनिल भाई की दुकान पर ग्राहकों का मेला जुटने लगा। गोल गप्पे खाने और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। ज्यादातर कस्टमर आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि पीएम साहब तक तो हमको कब पहुंचेंगे और कब फोटो गिराएंगे, लेकिन आप मिल गए तो आपसे फोटो लेना है, इसीलिए मुझे हरदम ये गेटअप में ही रहना पड़ता है। सेल्फी पॉइंट भी स्पेशल में अपने कस्टमरों के लिए बनाया है। पानीपुरी तो मेरी पहले फेमस थी, लेकिन ये मोदी लुक के हिसाब से मैं और ज्यादा फेमस हो गया हूँ। आनंद में अनिल भाई किसी सेलिब्रिटी की तरह हैं। इनके गोल गप्पों और चाट का स्वाद तो सभी की जुबा पर है, लेकिन खुद अनिल भाई के मुरीदों की भी शहर में कमी नहीं है। वैसे तो अनिल भाई जूनागढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए वो 2011 में आनंद आवसे। इत्तेफाक ये भी है कि सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि अनिल भाई की कहानी भी कुछ कुछ पीएम मोदी जैसी ही है। जिस तरह पीएम मोदी के शुरुआती साल संघर्ष भरे रहे, उसी तरह अनिल भाई ने भी कड़ी मेहनत से अपना मुकाम बनाया है। आज अनिल भाई की गृहस्थी खुशहाल है, व्यापार खूब फैल चुका है, बच्चे भी अच्छी जगह पढ़कर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश आज भी अधूरी है जिसे वो हर हाल में पूरा कर लेना चाहते हैं। जिनके जैसा दिखने भर से अनिल भाई के दिन फिर गए, एक बार वो उनसे मिलना चाहते हैं। कोशिश तो 2-3 बार कर चुका हूँ मैं, लेकिन कोई ऐसा हुआ नहीं है, और अंदर से इच्छा तो बहुत है। अभी एक ही इच्छा है कि एक बार मोदी साहब से मिल लूं तो मेरी हर तमन्ना पूरी हो गई समझो। पीएम से अनिल भाई की मुलाकात तो जब होगी तब होगी, लेकिन फिलहाल सारा आनंद शहर उनके हाथ से बनी चाट और उनके साथ खींची सेल्फी के आनंद में मगन है। थैंक यू। आनंद से हेताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको लिए चलते हैं बनासकांठा। इस बार बनासकांठा में जनता के मन में क्या है, क्या बड़े मुद्दे हैं, चुनावों को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, देखिए हमारे संवाददाता परेश पडिहार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक बंदा यहाँ से दिखा दो कि किसी को रोजगार मिला क्या गवर्नमेंट में। काम के लिए हमको बोलना पड़ता है तो भी हमारी बात सुनते नहीं है। आज व्यापारी परेशान है, जीएसटी में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कहीं पे अच्छा काम नहीं है, लोग परेशान है।
गुजरात में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट हो वो बनासकांठा की सीट है, क्योंकि बनासकांठा सीट पर दो महिला उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया गया है। भाजपा में से डॉक्टर रेखाबेन जो प्रोफेसर थी उसको टिकट दिया गया, और कांग्रेस में जो 28 साल से राजकारण में है ऐसे गैनीबेन ठाकुर ज़्यादा यहाँ पर लोकप्रिय, उसको टिकट दिया गया है। तो अब बनासकांठा की प्रजा का क्या कहना है हम उसके बात करेंगे। हम अभी डीसा तालुका में है, डीसा की तहसील के लोगों को हम पूछने चाहेंगे। आपको हम बताना चाहेंगे इस बार दो महिला उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रही है, क्या लग रहा है आपको क्या होगा इस बार? दो महिला उम्मीदवार है इस बार, हमारे कैंडिडेट है जो सक्षम है वो जीतेगी और लोकसभा में बनासकांठा की आवाज़ बनेगी। बाकी जो बीजेपी से जो भी आज तक जीत के गए वो ना तो कुछ बोल सकते हैं, उसके मुंह पे पट्टी लग जाती है, उन लोगों को बोलने का अधिकार है ही नहीं। यहाँ के कोई प्रश्न वहाँ जाके बोल नहीं सकते, वो एक ही उनके कोई आका बैठे जो बार बार हर बार हर महीने माइक पर रोते हैं, मुझे ये अपोजिट वाले काम नहीं करने देते। किसने तुम्हारे मुंह पे पट्टी लगाई है काम नहीं करने देते? काम करने का तुम्हारे पास कोई नज़रिया है ही नहीं। आगे पिछली गवर्नमेंटों ने जो भी काम किए थे, जो भी बसा बसाया था, हर महीने कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कंपनियों का कुछ ना कुछ बेच रहे, उनका बसा बसाया कुछ तो बताओ। बोले हम 100 स्मार्ट सिटी देंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहीं 100 स्मार्ट सिटी में से एक दो का आप नाम बता दो मुझे, है आपके पास कोई नाम? दो करोड़ हर साल रोजगार देंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी जीतने की बात है, अंधभक्त बोल रहे हैं, क्या बोलोगे आप? ये लोग बोल रहे हैं कि अंधभक्त है यहाँ पे सब लोग, क्या जो इसके पास तो पहले उम्मीदवार ही नहीं हुआ, जो विधानसभा का उम्मीदवार था वो लोकसभा में खड़ा कर दिया, पूर्व MLA से इसको खड़ा कर देते, इसके पास अलग तो उम्मीदवार ही नहीं, हमारे छोटे से गाँव में से उम्मीदवार खड़ा कर देते, ये कहते बार बार बदलते, हमारा उम्मीदवार बार बार बदलते नहीं है, हमारा 10 साल अलग ही उम्मीदवार आता है, छोटा छोटा घर में से उम्मीदवार आता है, बराबर ने विकास ही हुआ है, इसका तो कोई है नहीं उम्मीदवार ही नहीं, MLS को उतारा है MLA, कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलता कांग्रेस के पास, उम्मीदवार ही नहीं है कोई, कोई उम्मीदवार नहीं है, बोल रहे हैं कि विधायक को टिकट दिया है कांग्रेस पास उम्मीदवार नहीं। हर बार नया उम्मीदवार लाओ और बताओ कि भाई एक कमल भेज दो। नरेंद्र मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो आपकी बात नहीं सुननी, मैं मेरी मन की बात आपको सुनाऊंगा। आज किसान परेशान है, आज युवा परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, GST में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। आज कल की ही बात बताएं, यहाँ डीसा नगर सेवा सदन में कल एक ट्रैप हुआ, आज एक लग्न की नोंदणी के लिए भी जो पैसा लेते हैं तो ये नगर पालिका की बॉडी आज की, हम बोलते हैं कि BJP की 27 सीटें आई हुई है, तो वो कैसा वहीवट कर रहे हैं लोग। फ्लाईओवर बनते हैं वो भी टूट जाते हैं, यहाँ पे जो शिक्षित है वो बेरोजगार है, बच्चे हैं वो अभी बेरोजगार के लिए कारण वो आपघात कर रहे हैं। विकास तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमको थोड़ी एक अपनी दिल की बात बतानी है। हम तो गुजराती बोलते हैं लेकिन हिंदी तो टूटा फूटा बोलेंगे, लेकिन ये भाजपा सरकार है वो क्या समझ रही है अपने आप को कि 18 वर्ण जब एक साथ होती है तब वो सरकार बनती है, और नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महान आज पूजनीय व्यक्ति बन गए हैं कि हमको प्रणाम भी करके वोट मांग रहे हैं, और इधर के जो छिछरे लोग हैं जो कुछ दिन के बाद मोदी सरकार में आके वो धारासभ्य बन जाते हैं तो उसको सैल्यूट मारना पड़ता है, काम के लिए हमको बोलना पड़ता है तो भी हमारी बात सुनते नहीं है। ये थे बनासकांठा के डीसा के मतदारों थे, उसका कहना है कि विकास हुआ है और नहीं भी हुआ है। इस बार देखता ये है कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं 7 तारीख को, किसके उसमें कौन किसके शहर पर ताज जाता है और कौन जीत के सामने आता है। परेश बड़ियार, आज तक, बनासकांठा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।